सर्वम प्लस। इसके पहले मैंने क्लास सिक्स मैंने आप लोग को ज्योग्राफी सॉरी मैथ में एक्सरसाइज जो करवाया था वो था परसेंटेज निकालने का, जितना तर मुझे याद है। हाँ, परसेंटेज का था। अब मैं अलजेब्रा में चल रहा हूँ। अब अलजेब्रा क्या है? अब क्वेश्चन है अलजेब्रा होता क्या है? अलजेब्रा तुम लोग को वह चीज़ है जो किसी भी अंक नंबर के साथ ए बी सी डी का कोई अंक जैसे जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल 4+4 एड एक्स, तो 4 और x को कैसे जोड़ेंगे? 4+x, ठीक है। उसी तरह यदि कोई एग्जाम्पल बोलता 4 less than y, तो क्या लिखेंगे? 4 minus y। अच्छा, इसको कराने के पहले कुछ फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, उस फॉर्मूला को तुम लोग थोड़ा सा याद कर लोगे। ल ए प्लस बी है तो क्या होगा? ए प्लस बी का यानी दो तो ऐसा है, यानी ए प्लस बी और ए प्लस बी है तो टू टाइम्स है। तो ए से ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ए स्क्वायर। फिर इससे करते तो क्या होता है? ए बी। फिर इसे इसका ए बी, इसे इसका बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस दो तो 2ab + b² ठीक है। इसी को ए प्लस बी होल स्क्वायर बोलेगा तो ए तुम लोग बोलोगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलेगा तो क्या लिखोगे? इसी तरह ए स्क्वायर माइनस 2ab + b², ये फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहेगा तो क्या लिखोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, ये फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलेगा तो क्या लिखोगे? ए माइनस बी और ए प्लस बी। मैं आज चार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, इसे लर्न कर लोगे। ए प्लस बी का ए लाइन बोलोगे ए स्क्वायर 2ab + b², ए माइनस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर इसे कहते हैं, होल स्क्वायर याद रखोगे, होल स्क्वायर मतलब टोटल का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab + b², ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी प्लस ए ए प्लस बी, ये चार्ट कर लोगे, ठीक है। एक करके रखोगे क्योंकि इसको भविष्य में हमको जोड़ी पड़ेगा। अच्छा, आज मैं जो चैप्टर करवाने जा रहा हूँ तुम लोग का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 8.1, छोटा एक्सरसाइज है। वन का क्या बोला है? 9m × m × m + n × n। अच्छा,
9 तो है, ए का तो है 1, 2, 3, जब 3 तो रहेगा तो इसे कहते क्यूब, और एन का तो है 2, एन स्क्वायर। आंसर देखो, आंसर है कितना, 8.1 ना। हाँ ठीक है, वैसे ही इसको तुम लोग कर लोगे। डी नंबर -1/2 × 7 × x, y × y × y -4, p × p × p × p × q × q हुआ। तो 7 माइनस का माइनस रह गया, 7 माइनस 1, 2 स्क्वायर y 3 4 p पावर 4, 4 तो इसलिए पावर 4 कर लेता, पावर 4 तो x स्क्वायर। बस इसको चाहो तो इतने पर ही रहने दो। आंसर में क्या है देखो, इतना ही है। क्लियर हुआ? अब मैं 2 का करने जा रहा हूं। डिमेंस x एंड y, तो x माइनस y, वैसे ही तुम लोग कर लोगे। ए हुआ, इका x प्लस वाई और r इंटू s, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस r s। आंसर ठीक है। थ्री नंबर मैं बता रहा हूँ। कोफिशियंट ऑफ इस टर्म इन द फ्लोइंग, इसका कोफिशिएंट करना है। कोफिशिएंट का क्या अर्थ है? अंक कौन कौन है? 21, इसका क्या है? -4 -5। आंसर देखो क्या है, राइट। और इसको कोमा दे दो, आगे वाला चिन्ह रहेगा। इसका कर लोगे पूरा,
फोर नंबर का ए एस इन 31 एस। अब एस एस इन 31 एस फोर का इसमें कोफिशिएंट क्या है, एस ए भी है एस एस भी है, यानी ए वाला अंक जो है ठीक है। तो चैप्टर समझ में आया यहाँ तक, ओके क्लियर ऑफ दिस सम ऑफ टू थ्री मैथ्स। फाइव नंबर फाइव का ए इसमें कोई अंक कौन है, खाली यही है ना, तो थ्री। उसी तरह मान लो कि तुमको बी बोल दिया जाए, बी क्या है सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन बी माइनस नाइन ए बी, इसमें सब में ए बी सी लगा हुआ है इसलिए इसका आंसर होगा जीरो ठीक है। अब ये चैप्टर को पूरा होमवर्क में लिख लो, होमवर्क 8.1 ऑल। नेक्स्ट क्लास इज अ 8.2, यू रेडी राइट इन योर होमवर्क इन योर होमवर्क कॉपी एंड क्लास वर्क कॉपी इन क्लास वर्क मैथ्स, ओके बाय। और होमवर्क क्या करो,